आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। पन्ना जिले की कोतवाली पुलिस ने बीते कुछ माह से शहर में लगातार चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया है। सिटी कोतवाली के नवागत थाना प्रभारी अरुण सोनी ने थाने के स्टाफ के साथ मिलकर गैंग में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान शहरी क्षेत्र में हो रही लगभग एक दर्जन चोरियों का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 8.5 लाख कीमत का जेवरात बरामद किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर पन्ना पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पन्ना शहर में लगातार चोरी की वारदातें हो रही थी। चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए कोतवाली के नवागत थाना प्रभारी अरुण सोनी को निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी अरुण सोनी द्वारा संदेह के आधार पर अंगूठी का नग मोहल्लों में फेरी कर बेचने वाले शहीदुल शाह आबिद और अल्ताफ खान निवासी दमोह को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। इस दौरान तीनों आरोपियों ने लगभग एक दर्जन चोरियों का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 110 ग्राम सोने के जेवरात सहित लगभग 2 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। बताया गया कि आरोपियों से पन्ना जिले में हुई चोरी की अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। एसपी मयंक अवस्थी ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरुण सोनी सहित उनकी पूरी टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है। यह एक बड़ी सफलता पन्ना कोतवाली पुलिस को मिली है। इसमें विगत एक वर्ष से कुछ बड़ी चोरियां पन्ना कोतवाली क्षेत्र में हुई थी, उनका खुलासा हुआ है। हमें 3 नकबजन पकड़े हैं जो कि कुल मिला के 12 चोरियां इन्होंने स्वीकार करी हैं और इनके पास से हमने करीब 8.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी जब्त किया है, बरामद किया है। और ये शहीदुल शाह पिता रज्जाक शाह, आबिद पिता अल्ताफ और छोटे खान, इन 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। उनके पास से 8.5 लाख रुपये। सर, सोने चांदी को निशाना बनाते थे, कोई खास कारण? ये बेसिकली अंगूठी के नग बेचने का काम करते थे और पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते थे और जगह जगह नग बेचने के नाम पे इलाके की रेकी करते थे और सोने मकानों को अपना निशाना बनाते थे। रात में ये मकानों में घुसकर जो बहुमूल्य वस्तुएँ हैं उनको चुरा कर भागते थे। सर, निश्चित तौर पे इतना बड़ा जो सामान जब्त हुआ है, कहीं ना कहीं इन्होंने बेचने की भी कोशिश की होगी, तो अगर इस बेचना में कोई दुकानदार आता है तो क्या उसको मुजरिम बनाया जाएगा? निश्चित रूप से इनको रिमांड पर लिया जाकर इनसे पूछताछ की जाएगी कि इनका पूरा जो वारदात का तरीका है, तरीका वारदात कैसा रहा है, कैसे ये करते थे और कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करते थे और भी कहां कहां चोरी की है। यदि ऐसा लगेगा कि इनके इस काम में किसी की सक्रिय भूमिका रही है या किसी को इसकी जानकारी थी और उसने पुलिस से साझा नहीं करी है, तो निश्चित रूप से उसको मुजरिम बनाया जाएगा।